अब खबर कोटा से है, जहां एक छात्र ने मकान मालिक दंपति पर अचानक हमला बोल दिया और इस हमले में मकान मालिक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक महावीर नगर विस्तार योजना निवासी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी घर पर मौजूद थे कि तभी मकान में किराए से रहने वाले छात्र ने पाइप से उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में ओम प्रकाश और उसकी पत्नी लहू लुहान होकर बेहोश हो गए, तो वहीं घर पर काम करने वाले सफाई कर्मी पर भी छात्र ने हमला किया। इससे सफाई कर्मी भी पूरी तरह से घायल हो गया। घटना का पता लगने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उसमें क्या, मैं नहा धो रहा था, उसमें जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। उसके बाद में जब मैं पूजा पाठ करके बाहर आया, तब इस लड़के को मोहल्ले के लोग है, पीछे डॉक्टर नागर है, उनके पास ले गए थे। और मैंने कहा चलो पूजा करके, वो ले तो गए, मेरे बाद में नागर के पास जाऊंगा। तो लोगों ने मुझे कहा आप भट्ट साहब को फ़ोन करो। मैंने भट्ट साहब के मेरे दो नंबर थे, दोनों पे फ़ोन किया तो वो फ़ोन नो रिप्लाई हो रहा था। फिर मैं पूजा करके उनके घर पे गया, वहाँ फ़ोन किया तो दोनों फ़ोन उनके मकान में उनकी घंटियाँ बज रही थी। तब मैंने वहाँ उपस्थित लोगों को कहा, मैंने कहा यार मकान मोबाइल दोनों यहाँ हैं, इनकी कार यहाँ खड़ी है और इनके स्कूटी वगैरह साधन सारे यहाँ खड़े हैं, और एक घंटे से मतलब कम से 40 मिनट हो गई इस वारदात को, तो भट्ट साहब और भाभी जी दोनों गए कहाँ हैं। तो हम लोग, मैं सबको लेकर ऊपर गया, हम लोग ऊपर गए, कमरे तलाश किए, तो जैसे ही अंदर गए तो पानी की नल चलने की आवाज़ आ रही थी बाथरूम में से। हम उसकी तरफ भागे तो एक कमरे में भट्ट साहब पड़े हुए थे और खून ही खून बिखरा हुआ था एकदम। हम लोग चिल्लाने लग गए, फिर मैंने कहा अरे भाभी जी कहाँ हैं, लोग चिल्ला रहे थे, मैंने कहा भाभी जी भी यही है ना साथ में। तो देखा तो किचन का गेट बाहर से लगा हुआ था, किचन खोल के देखा तो वहाँ भी वो भी लथपथ पड़े थे।